इंसो का स्थापना दिवस 20वां स्थापना दिवस हम आगामी 5 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में मनाने जा रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि पीछे कोविड रहा तो बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी स्टूडेंट्स की, सभी एक्टिविस्ट की, जो लोग साथी जुड़े हुए हैं हमारे इस संगठन से, विशालतम संगठन से। सबकी मांग थी कि बड़ा प्रोग्राम इस बार किसी अन्य प्रदेश में, प्रांत में इंसो के विस्तार के स्वरूप किया जाए, तो हमने ये फैसला लिया कि हम जयपुर में करें। उसकी मीटिंग हरियाणा इकाई की सभी जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों को हमने यहाँ बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार एक नया रणघोष, एक नई शुरुआत जहाँ हमारा संगठन करेगा, जहाँ वहाँ के साथियों को जोड़ेगा, वहीं हरियाणा से भी इस कार्यक्रम में, इस त्यौहार में हजारों हजारों की संख्या में साथी जाएंगे। दिग्विजय जी, तावड़ू में एक जगन्नाथ डीएसपी सामने आई, विपक्ष लगातार ये कह रहा है सरकार पर हमला, संगठन की सरकार बनी गठबंधन की, लेकिन अवैध माइनिंग, गुंडागर्दी और क्राइम सिरे पर हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई अगर किसी सरकार में हुई है, और आप और मैं भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे से हर तरह के लोग मिलते भी हैं, सबसे ज़्यादा माइनिंग वालों पर अगर कार्रवाई हुई तो इस सरकार में हुई, इन पिछले 3 वर्षों में हुई। आंकड़ों के साथ ना तो मैं हेरफेर कर सकता, ना आप कर सकते, आप भी इस बात को जानते हो। मैं इसको बहुत अनफॉर्चुनेट मानता हूँ जो घटना वहाँ घटी, हम सब इस बात से बहुत पीड़ित हैं, आहत हैं, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सरकार की सोच, सरकार की मंशा अवैध माइनिंग के खिलाफ है, और आप ये मान करके चलो इस इंसिडेंट के बाद तो और ज्यादा मजबूती से और सख्ताई से सरकार उस पर एक्शन। सर, पहले क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई की? नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, आप भी मानते हो बिहाइंड द कैमरा, आप भी मानते हो, और हम लोगों से मिलते हैं, तो कभी इतनी कार्रवाई किसी सरकार में नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटी है वो अनफॉर्चुनेट है। वहां वो अधिकारी जिनको हमने खोया है, वो भी शहीद जो हमारे हैं, वो भी एक्शन लेने ही गए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने ही गए थे। इस तरह के लोग जिन्होंने ये कार्य किया, घिनौना कार्य किया, उनको बिहाइंड द बार डाल दिया गया है, और उनके साथ न्याय होगा, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। दिग्विजय जी, लगातार विधायकों को धमकियां हैं, फिरौती मांगी जा रही है विधायकों से, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को, पता नहीं कल्चर सा बन गया है धमकी वाला, और ये कभी कोई किसी दुबई के नंबर से फोन आते हैं, क्या है क्या मामला, हमें तो इसका पूरा कुछ पता नहीं, मगर ये बड़ा अजीब सा है, हमें तो कभी किसी का फोन आया नहीं। दिग्विजय जी, विपक्ष लगातार तो महंगाई को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कहा है कि सरकार ये चाह रही कि आम आदमी जो जीना मुश्किल हो जाए। महंगाई हम सबके लिए एक समूची चुनौती है, समूचे राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। आप विदेशी अखबार टेलीविजन उठा करके देखेंगे, अगर BBC देखेंगे और टेलीविजन देखेंगे, सब जगह ये हो रहा है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके कारण हमारे यहाँ भी बड़ा इम्पैक्ट है। इसमें पीछे जो लड़ाई हुई हो, युद्ध चल रहा हो, उसका कारण हो, और बड़े सारे कारण हैं। आप देखो कि श्रीलंका के अंदर महंगाई से क्या हालात पैदा हो गए। महंगाई हमारे लिए बहुत चुनौती का विषय है, और सरकार उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, और सरकार उस पर लगातार दुष्यंत चौटाला जी द्वारा किए गए कामों की बड़ाई कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या? तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि अच्छे कृत्यों की, अच्छे कार्यों की क्या वो प्रशंसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। वो तो 75% के भी खिलाफ बोल रहे थे, वो तो अन्य विषयों के भी खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने मात्र विरोध करना है। हम उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को, मेरे चाचा हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं उस पर कम कह करके ये कहूँगा कि हम अपने काम पे लगे हुए हैं, वो अपने काम पे लगे रहे। 2024 में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी क्या? बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह, राजनीति में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है ये भविष्य में ही पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार आप भी करो, मगर हमारा गठबंधन आज के दिन यथास्थिति बहुत मजबूत। चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह लगातार कह रहे हैं, अप्लाइज द सेम टू बृजेंद्र सिंह एंड वीरेंद्र सिंह, क्या वो दुष्यंत की प्रशंसा कर सकते हैं क्या? उनकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी, समझदार हो आप।